मज़ा तो करो ये सो अच्छा जी तो प्यारे बहन भाई अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई हमें देखने वाले हैं सब खैर से होंगे, अल्लाह का शुक्र हम भी खैर से हैं और हमारी दुआएं हमारे देखने जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। और इसी के साथ आज का करते हैं व्लॉग का आगाज़। तो ये मैं बर्तन धो रही हूँ दूध वाला, क्योंकि अभी दूध लेने जाना है अहमद ने और फिर चाय बनाते हैं सुबह। क्योंकि काफ़ी ठंड होती है और ये ऐसे सुबह सुबह इसने खेलना स्टार्ट करना होता है, इस वजह से मैं इसको मोटे कपड़े पहना देती हूँ ताकि ये खेलता रहे उसको ठंड ना लगे। तो शलवार इसने खुद ही आज कहा है कि मैं उल्टी पहनूंगा, तो मैंने कहा चलो पहन लो, तो शलवार इसने उल्टी पहनी हुई है। तो अभी हम भून रहे हैं आटा, आटा भूनने के बाद चाय बनाते हैं। मैंने शूज़ भी नहीं पहन रहे हैं वो व्लॉग के चक्करों में, तो वरना मैं जर्सी वगैरह और शूज़ वगैरह बंद पहन के तो काम स्टार्ट करती हूँ, तो वैसे मैंने आज शुरू कर दिया है इधर आटो। इस व्लॉग में आज हम बताएंगे कि गांव की औरतें जो हैं सुबह सुबह पहले कौन कौन से काम स्टार्ट करती हैं, तो क्योंकि उनके जानवर वगैरह होते हैं सबके ही तकरीबन गायें भैंसे वगैरह होती हैं, तो हमारे इधर नहीं है, तो इस वजह से मैं झाड़ू वगैरह जो है देर से देती हूँ, वरना यहाँ पे सुबह सुबह पहले झाड़ू देती हैं उसके बाद नाश्ता बनाती हैं और फिर काम वगैरह करके घास पे चली जाती हैं काटने के लिए। तो मैं सुबह सुबह पहले नाश्ता बनाती हूँ और जब धूप निकलती है तब मैं काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वैसे भी मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं रहती, तो इस वजह से मैं बाद में झाड़ू वगैरह बाद में देती हूँ।
यार हमने पानी वगैरह नीचे गिरा दिया था तो कीचड़ हो जाती है, मुझे काफी उलझन होती है कीचड़ से, इस वजह से मैं पानी खुश करती रहती हूँ या सुबह सुबह ही पानी में खेलना शुरू कर देता है। इधर हो जाओ, इधर बैठो। बहन भाइयों, आज हमने सुबह सुबह व्लॉग स्टार्ट किया था ताकि अपने बहन भाइयों को अपने पूरी सुबह से शाम तक ये रूटीन है वो अपने बहन भाई से शेयर करते हैं। तो अभी हो चुकी है शाम, इतनी शाम भी नहीं है, तकरीबन 3-4 बजे का टाइम है और हम बना रहे हैं खाना, क्योंकि दोपहर को हम इतना खाना वगैरह नहीं खाते दोपहर का, तो इस वजह से शाम को जल्दी बना लेते हैं ताकि फिर खा लें दोपहर का भी और शाम का भी। इस टाइम पर मुझे भूख ज़्यादा लगना शुरू हो जाती है और मैं जल्दी जल्दी भाग भाग के जो है अपना सालन बनाती हूँ, तो इस वजह से आज हम बना रहे हैं आलू और अंडे। सर्दियों में मुझे बहुत पसंद है आलू और अंडे, मैंने पिछले साल भी तकरीबन काफ़ी आलू अंडे बनाए थे, तो इस दफ़ा भी मैंने अंडे काफ़ी दिनों के पड़े हुए थे, मुझे याद नहीं था वो मंगवाए थे, फिर मैं भूल गई, आज मैंने सफाई की तो अंडे पड़े हुए थे, फिर मैंने सोचा चलो अंडे और आलू बना लेते हैं। और हमारी टोकरी की भी देख सकते हैं कितनी बुरी हालत हो गई है, क्योंकि मैं बाहर रख देती थी और गर्मियों में ये सारी टूट चुकी है। अभी इंशाल्लाह बाज़ार जाएँगे तो फिर नई टोकरी वगैरह लेंगे अपनी सब्जियों की। काफ़ी सारा सामान हमारा तकरीबन ख़त्म हो चुका है, बाज़ार से लाने वाला है, तो इस वजह से इंशाल्लाह फिर कभी पहले मेडिसिन में थे कि मेडिसिन ले लें मेडिसिन ले लें, अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन हमने ले ली है, तो अब जाएंगे दोबारा और थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो घर की वो रहती हैं वो लेंगे। और हमने सोचा था कि इतनी महंगी दवाई नहीं आएगी, इतनी हम पैसे लेके गए थे वो सारे पैसों की दवाई आ गई, तो फिर हम ऐसे ही वापस आ गए थे, सिर्फ आराम की जर्सियाँ ली थी तो बस और चीज़ें नहीं ली थी हमने। ये दरवाज़ा वगैरह मैं बंद रखती हूँ क्योंकि मुर्गियों का मसला है, अंदर आ जाती हैं और फिर गंदा कर देती हैं कमरा वगैरह। हमारा सामान वगैरह काफ़ी ख़त्म हो चुका है क्योंकि सर्दियों में चाय इतनी बनती है, मैं मिनट बाद चाय बना के तकरीबन 3-4 दफ़ा मैं चाय पीती हूँ, तो फिर इस वजह से चीनी वगैरह पत्ती वगैरह ख़त्म हो गई थी, तो अभी फिर मंगवाई है। और अहमद कह रहे थे कि आप मेहरबानी किया करो थोड़ा सा कंट्रोल किया करो चाय पे, तो मुझसे चाय पे कंट्रोल नहीं होता, मैं कहती हूँ खाना वगैरह कंट्रोल कर लूँगी लेकिन चाय मुझसे नहीं होती। ठंड सर्दियों में तो ज़्यादा पीती हूँ, बहुत ज़्यादा चाय पीती हूँ। करवा लेते हैं धूप में, धूप खत्म होने वाली है, थोड़ी सी धूप लगवा लेते हैं और अपनी सब्जी भी बनानी है, सब्जी भी बना लेते हैं, धूप भी लग जाएगी फिर खाना बनाएंगे। मैं आलू के सालन में अगर धनिया डालें तो बहुत अच्छे सालन बनता है,
आलू और मटर, आलू और मटर सर्दियों में ज़्यादातर हो जाते हैं, आलू और मटर। तो गर्मियों में भिंडी और सर्दियों में आलू मटर, गर्मियों में भिंडी और करेले, सर्दियों में ये चीज़ें हम ज़्यादा जो खाते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। पहले इस छुरी से, काफ़ी छुरी बड़ी है, मुझे ना काटना नहीं आता, जब नई नई थी तो मेरे काफ़ी हाथ थक जाते थे, अब मैं काटती रहती हूँ ना, अब कुछ जो है मतलब हाथ मेरे सह गए हैं, इस छुरी पे काट लेती हूँ अब इजीली। तो अहमद कह रहा है कि आपके हाथ जो हैं वो वाइट आ रहे हैं, मैंने कहा चलो शुक्र है कभी तो इस कैमरे ने मुझे वाइट दिखाया, वरना जितने भी पाउडर मुँह साफ होता है ये बिल्कुल काला मुँह दिखाता है इसका। अहमद कहते हैं इसका रिज़ल्ट अच्छा है, अच्छा, लेकिन मुझे इसका रिज़ल्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आलू मैंने काट लिए हैं, अब मैं काट रही हूँ ये धनिया। धनिया मैं इसमें काट दूँगी क्योंकि मैं पानी बिल्कुल थोड़ा सा डालती हूँ, उसमें धनिया भी पक जाती है और आलू भी मेरे पक जाते हैं। बड़ी काटती हूँ ना तो ये, क्योंकि अच्छे वाले आलू हैं तो जल्दी गल जाते हैं। अच्छा जी, तो प्यारे बहन भाई अभी मैं खाना बना रही थी और सिलेंडर गैस पे मुझे सालन अच्छा नहीं लगता, तो मैंने सोचा थोड़ा सा गैस बच भी जाएगा और मैं बना देती हूँ आज लकड़ियों पे। और हमारा जो ये मोबाइल है इसको बार बार इसको ना आग सेक देना पड़ता है, मतलब गर्म करना पड़ता है, तो इस वजह से भी अहमद काफ़ी देर सिलेंडर चला के बैठे रहते हैं और इसको सेक देते रहते हैं। इस वजह से मैं इसको डांटती हूँ कि आप ना चलाया करो ज़्यादा गैस, तो इस वजह से मैं गैस थोड़ी सी कर रही हूँ बच्चा, तो मैं बना रही हूँ सालन रोटी चूल्हे पर और अच्छा भी बनता है, वैसे मज़ा भी आता है लकड़ियों पे सालन रोटी का। अभी मैं आई हुई थी यहाँ पे शापर वगैरह उठाने के लिए क्योंकि इससे आग काफ़ी अच्छी जल जाती है, और दूसरी आंटी भी कह रही थी कि आप मेरे आंबों को देख लिया करो क्योंकि काफ़ी सारे जो हैं उनके टहनियाँ टूटी हुई थी आम की, तो मैंने कहा चलो इनको भी देख लेते हैं और अपना काम जो है वो भी कर लेते हैं। ये प्लास्टिक की बोतलें काफ़ी अच्छी जल जाती हैं, तो इस वजह से मैं इनको उठा रही हूँ ताकि आग जो है वो अच्छी जल जाए। Thank you.
ये लकड़ियाँ मेरी हैं, मैंने बाहर फेंकी थी कि इसकी काट के, तो मैं ले आई हूँ। अच्छा जी, तो पहले बहन भाई इस वक्त मैं अपना सामान जो है बाहर लेके जा रही हूँ, तो क्योंकि मैंने अंदर रखा हुआ था और काफ़ी हमारी वीडियो माशाल्लाह से लंबी हो गई है, तो इसी के साथ करते हैं आज के व्लॉग का एंड। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। क्योंकि हमने आलू बनाने हैं, आलू को पता है आप हमारे बहन भाई रोज़ देखते हैं कि आलू खा रहे होते हैं खा रहे होते हैं, इसलिए हमने आज रेसिपी इसकी नहीं शेयर की, लेकिन आज हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, इसमें अंडे डाल रहे हैं, तो इस वजह से व्लॉग एंड कर रहे हैं।